आज जो शिलान्यास माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, जो वहाँ शिलापट लगा हुआ है, वहाँ आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के नाम से शिलापट लगा हुआ है, और अमित शाह जी ने योगी जी को ये सुझाव दिया कि इस यूनिवर्सिटी का नाम सुहेलदेव जी के नाम से रखा जाए, जबकि 2017 के चुनाव के बाद सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए लखनऊ में अमित शाह जी खुद आए, दो बार योगी जी से हमारी पंचायत कराए, दूसरी बार राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के नेतृत्व में एक कमेटी बनी 4 सदस्य, 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट भी आ गई। 2 साल 11 महीने से रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रखे हैं, तो जब जहां अति पिछड़े के हक की बात थी वहां योगी जी अमित शाह जी की बात नहीं माने, तो आज ये जो सुझाव दिए हैं अमित शाह जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, तो ये काहे मानेंगे? अगर मानना होता तो वहां यूनिवर्सिटी के शिलापट पे लिखा होता ना कि सुहेलदेव राजभर राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि जब अलीगढ़ में विद्यालय का उद्घाटन होगा तो वहां जो है महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का नाम रखेंगे, अवंतीबाई लोधी के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखेंगे, मुगलसरा का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाएंगे तो वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखेंगे, लेकिन ये जुमलेबाज हैं, ये अमित शाह जी ये जुमलेबाज हैं। इन्होंने एबीपी चैनल पे कहा था कि 15-15 लाख जो देने का वादा किया था ये वोट लेने का जुमला था। ये आजमगढ़ जो इन्होंने सुझाव दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि जुमला बन करके ही न रह जाए, इस नाते हमको इनकी बात पर भरोसा नहीं है। इन्होंने डाक टिकट जारी किया मात्र सुहेलदेव लिखा, इन्होंने ट्रेन चलाई सुहेलदेव लिखा, इन्होंने यूनिवर्सिटी घोषणा सुझाव दिया है योगी जी को, ये सारे काम ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के नेताओं के दबाव में ये कर रहे हैं। राज्यसभा बनाया ओम प्रकाश को खत्म करने के लिए, मंत्री बनाया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।